हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो लड़ाई चालू हो चुकी है यूक्रेन और रशिया के बीच में। रशिया ने इन्वेजन जो है उसकी शुरुआत कर दी है। तो रशिया का कहना यह है कि पहले दिन की लड़ाई में जो उनके इंटेंडेड गोल थे उनको उन्होंने अचीव किया, जिसमें करीबन 83 लैंड बेस्ड यूक्रेनियन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया और करीबन 203 बार अटैक किया गया यूक्रेन पर। तो ये जो अटैक चल रहा है, कहा यह जाता है कि ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे बड़ा अटैक है। तो काफ़ी सारे इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं। कई एयरक्राफ्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं, कई हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं, कई ट्रूप्स जो हैं उनको कैप्चर किया गया है, मारा गया है, सिविलियन पॉपुलेशन को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अगर आपको इन सब इवेंट्स के बारे में क्लैरिटी चाहिए तो ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि यहाँ पर कई मिस इन्फॉर्मेशन भी चल रही है जो कि बाद में क्लियर हो रही है। तो एग्जैक्ट इवेंट्स कैसे चल रहे हैं इनको अभी डिस्कस करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बाद में गलत भी साबित हो सकती है। इसलिए इसके बारे में अगर डिटेल एनालिसिस करना है तो चीज़ों के खत्म होने के बाद ही किया जा सकता है। बाकी लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो चेर्नोबिल न्यूक्लियर साइट पे रशिया का कब्जा हो चुका है और यूक्रेनियन कैपिटल कीव में रशियन फोर्सेस ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हैं। तो यहाँ पर कोई सरप्राइज की बात नहीं है, जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी के मामले में रशियन फोर्सेस के आसपास भी नहीं है। मोस्टली यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस द्वारा जो वेपन्स यूज किए जाते हैं वो सोवियत एरा के हैं, जिस पर रशिया ने काफी अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली है और उसके एडवांस वेरिएंट्स बनाए हैं, पर यूक्रेन यहाँ पर उन्हीं पुराने वेपन्स के साथ लड़ने पर मजबूर है। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि रशियन फोर्सेज जो है वो एक ही दिन में यूक्रेनियन कैपिटल पर पहुंच गई है, क्योंकि यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस के पास ना ही स्ट्रेंथ है ना ही कैपेबिलिटी है। ऑल्दो वो फाइटिंग स्पिरिट दिखा रहे हैं, अपने दम पर लड़ने की बात कह रहे हैं, पर खाली स्पिरिट से काम नहीं चलता है, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर जिस तरीके से यूक्रेन अपने घुटनों पर है, ये इनके मिलिट्री फेलियर से ज़्यादा इनके डिप्लोमेटिक फेलियर का रिजल्ट है। तो यूक्रेन जिस पोजीशन में था, इनको वेस्ट और रशिया के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए था और धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए था, पर इन्होंने क्या किया कि पूरी तरीके से वेस्ट की तरफ अपना झुकाव रखा और रशिया से रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर लिए। लालच इनकी यहाँ पर यह थी कि इनको नेटो का मेंबर बना दिया जाएगा, उसके बाद रशिया इन पर अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन इस मौके पर इनको वेस्ट से धोखा मिला और ये चीज़ ओपनली यूक्रेनियन प्रेसिडेंट द्वारा कही जा रही है। तो यूएस ने कई बार ये चीज़ कही थी कि रशिया यूक्रेन पर अटैक कर सकता है, और चीज़ों को समझते हुए उन्होंने अपनी एम्बेसी जो है वो कीव से हटाकर यूक्रेनियन बॉर्डर पर कर ली, अपने सिटीजन हटा लिए और यूक्रेन को उनके हाल पर छोड़ दिया। इवन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट द्वारा ये बात कही गई कि उन्होंने डायरेक्टली नेटो का पार्ट बनने की बात पूछी, जिस पर उनको कंप्लीट साइलेंस मिला और अब वो खुद ही लड़ेंगे, जो कि पर्सनली हमारे ओपिनियन में एक बेवकूफ़ी के ऊपर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पहले तो आपने डिप्लोमेटिक ब्लंडर किया रशिया से दूर होकर, दूसरी चीज़ अब जब रशियन फोर्सेस आपकी कंट्री में घुस आई हैं तब आप लड़ने की बात कर रहे हैं और इवन सिविलियंस को भी लड़ने के लिए कह रहे हैं। इसका एंड रिजल्ट सबको पता है, रशिया डेफिनेटली टेक ओवर करेगा। अगर यहाँ पर यूक्रेन सरेंडर कर देता तो सिविलियन लाइफ जो है वो बच जाती, लेकिन लड़ने पर काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टी के बाद भी ये काम होगा। तो ये स्पिरिट दिखाना तब समझदारी होती है जब जीतने की पॉसिबिलिटी हो। आप बॉर्डर पे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, रशिया आपको इन्वेट कर चुका है और आपके कैपिटल पर आकर बैठने वाला है। तो ये जो फेक ईगो निकल कर सामने आ रहा है कि नहीं हम तो लास्ट तक लड़े हैं, ये बेवकूफ़ी है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयारी करनी चाहिए थी, एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलना चाहिए था ताकि इस सिचुएशन तक बात पहुंचती ही ना। लेकिन यहाँ पर रशिया को हल्के में लिया गया और वेस्ट पर कुछ ज़्यादा ही रिलाय किया गया। तो यहाँ पर कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, किस एयरक्राफ्ट ने, किस वेपन ने कैसा परफॉर्म किया, इस पर हम बात तभी कर सकते हैं जब चीज़ें ख़त्म हो जाएं और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिले, क्योंकि अभी काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही हैं। तो उसके एनालिसिस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी अभी हम यही डिस्कस कर सकते हैं कि सिचुएशन कहाँ जा सकती है, क्या क्या मिस्टेक्स हुई और यहाँ से क्या सीखा जा सकता है। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर पहले ही हम दो वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पहले हमने डिस्कस किया था कि इस तनाव का कारण क्या है, दूसरे पे हमने डिस्कस किया था कि अगर इन्वेजन होता है तो क्या क्या हो सकता है। तो दोनों वीडियो में हमने डिस्कस किया था लुगांस्क को और डोनेट्स्क को, और हमने बताया था कि कैसे उनको यूक्रेन से अलग करके एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक को बनाया गया और लड़ाई से पहले ही व्लादिमीर पुतिन ने उन दोनों को रिकॉग्नाइज किया। तो डोनेट्स्क और लुगांस्क जो है वो यूक्रेन के डोनबास रीजन में आते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, यहाँ पर रेबल्स ने यूक्रेनियन फोर्सेस को डिफीट करके दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स का फॉर्मेशन किया, जिसमें लुगांस्क रिपब्लिक और डोनेट्स्क रिपब्लिक शामिल थे। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो रेबल्स थे उनको रशियन हेल्प मिली थी और इवन रशियंस ने भी यहाँ पर रेबल्स की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। तो ये एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट था और क्योंकि यहाँ पर रशियन एथनिसिटी के लोग थे तो यहाँ पर इन दोनों स्टेट्स को रशियन बैकिंग थी।
वहीं पर यूक्रेन के द्वारा अपनी फोर्सेस को यूज किया जा रहा था जो रेबल्स है उनको क्रश करने के लिए, जिसमें काफी हद तक उनको सक्सेस भी मिली, लेकिन रशिया का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर डायरेक्ट हो गया और फिर चीजें एस्केलेट ना हो इसके लिए मिंस्क अग्रीमेंट हुए। यहाँ पर ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप को बनाया गया जिसमें यूक्रेन के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, रशिया के भी रिप्रेजेंटेटिव थे और OSCE के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो इसमें जो मीडिएशन का काम है वो फ्रांस और जर्मनी के द्वारा किया गया और इस अग्रीमेंट के अंतर्गत सीज फायर किया जाना था, अपने हैवी वेपन्स को हटाने थे और सिचुएशन को नॉर्मल करना था। पर यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो नहीं पाया, जिसकी वजह से अग्रीमेंट के फेल होने के बाद दोबारा से मिंस्क 2 के नाम से जो अग्रीमेंट है वो साइन किए गए, जिसमें बात कही गई हैवी वेपन्स को हटाने की, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज करने की और यूक्रेन में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने की, ताकि जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए और जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर यूक्रेन का कंट्रोल दोबारा से आए। पर जो चेंजेस यहाँ पर करने को कहे गए वो कम्प्लीटली नहीं कहे गए और ये अग्रीमेंट भी फेल हो गया, यानी कि 2015 से ही यूक्रेन के पास मौका था चीज़ों को ठीक करने का, जो कि नहीं किया गया। बट अगेन यहाँ पर देखा जाए तो यूक्रेन का ये अंदरूनी मामला था, लेकिन रशियन एथनिसिटी के लोग यहाँ पर मर रहे थे तो रशिया यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ। वहीं पर इस चीज़ को भांपते हुए यूक्रेन ने सोचा कि वो वेस्ट के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे और नेटो के मेंबर बन जाएंगे, रशिया फ्यूचर में उन पर अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उनके द्वारा मिंस अग्रीमेंट को एज एन एक्सक्यूज यूज़ किया गया ताकि कॉन्फ्लिक्ट को टाला जा सके। तो ये जो वॉर है ये एक्चुअली यूक्रेन की डिप्लोमेसी का फेलियर है, उनकी कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ का नहीं। आपको पंगा अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से लेना चाहिए, अपने दोस्तों की स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं, क्योंकि अभी यूक्रेन के साथ कोई खड़ा नहीं है। बाकी जो वेस्ट साइड है वो रशिया पर सैंक्शंस लगा रही है, जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी पर और उससे ज्यादा रशियन इकोनॉमी पर इस चीज का बहुत बुरा असर होगा। पर ये सैंक्शंस हैं, अभी लगे हैं, हो सकता है 10 साल बाद चीजें नॉर्मल हो, हट जाएं, तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, पास्ट में भी हमने ऐसा देखा है। तो ये एक तरह की वेस्ट की लॉलीपॉप है जो सिचुएशन खराब होने पर उस समय के लिए दी जाती है, और ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है ये दुनिया के लिए एक लेसन है कि डिप्लोमेसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कैसे जितने भी डिसीजन होते हैं वो आपकी कंट्री के इंटरेस्ट में होने चाहिए, भले ही आप पर प्रेशर हो। जैसे कि अभी इंडिया पर प्रेशर है कि रशिया को कंडेम किया जाए, लेकिन वो हमारी कंट्री के फेवर में नहीं है, और अगर यही बात यूक्रेन को समझ में आती तो वेस्ट के प्रेशर में वो रशिया के साथ अपने रिलेशन इतने खराब ना करते, क्योंकि अल्टीमेटली आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, अपनी सिचुएशन के लिए आप यहाँ पर खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो आत्मनिर्भर का गोल रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ये इसलिए इतना जरूरी है, और ये जो ड्रोन्स की डील है और जो रशिया से MiG-29 की डील थी, इनको जो होल्ड पे रखा गया, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया, एक लॉन्ग टर्म विजन के अंतर्गत लिया गया, क्योंकि हमको यहाँ पर वेपन्स के इम्पोर्ट को लेकर नुकसान होने ही वाला है, लेकिन एक बड़े नुकसान से अभी हम यहाँ पर बचे हैं। बाकी ये ताइवान के लिए भी एक लेसन है कि खाली अमेरिका पे रिलाय होकर वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। बाकी दुनिया की दूसरी कंट्रियों के लिए भी लेसन है कि वेस्ट के या फिर किसी के दबाव में आकर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ना बेवकूफ़ी है। समय आने पर कोई अग्रीमेंट काम नहीं आता है, कोई UN काम नहीं आता है, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी इस वॉर में जो वेपन्स वगैरह का एनालिसिस है, उनकी परफॉर्मेंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे चीज़ों के क्लियरली सामने आने के बाद। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।